हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार मैं विजय बंसल मैथ लेक्चरर जाखल ब्लॉक से मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ ठीक है और किसी भी प्रकार की मैसेज करने के लिए कुछ पूछने के लिए या किसी वीडियो के बारे में जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पचानवे चार सौ बारह जीरो सतर चौंतीस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे ठीक है और आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास हमारी क्लास इलेवंथ का ठीक है जो हमारा चैप्टर थर्टीन चल रहा है उसकी एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन एक से नौ तक लिमिट के हमारे क्वेश्चन किए थे ठीक है और जो थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज है जैसे आप जानते हैं लिमिट के ऊपर ही बेस्ड है ठीक है सारी की सारी और लिमिट के पहले पार्ट के अंदर हमने इसके सारे बेसिक बातों के बारे में जाना था ठीक है और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे सेकेंड पार्ट के अंदर हमने ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स और पहले नौ क्वेश्चन किए आज हम इसका अपना दसवा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं दसवें क्वेश्चन में देखें आपको क्या मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू वन ठीक है जेड की पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन जेड की पावर वन बाई सिक्स माइनस वन ठीक है आपके पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है लिमिट ठीक है एक्स टेंस टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इजक्टल टू एन ए की पावर एन माइनस वन तो उसी चीज का यूज करते हुए हमें जेड है हमारे पास यहाँ पर ए हमारा वन हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन इसके नीचे हमें क्या चाहिए एक्स माइनस ए चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट टेंस टू ऊपर की पावर है तो इसको Z से डिवाइड कर दिया और नीचे की पावर आपके पास है इसको हमने जेड माइनस वन से डिवाइड कर दिया ठीक है दोनों ऊपर और नीचे इनमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया गया तो आपके पास आपस में कैंसिल होकर बचती वापस यही रकम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिमिट को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे क्योंकि क्योंकिब्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी जो कहती हैं लिमिट के ऊपर वो यही कहती हैं बीच में प्लस का दो फंक्शन के बीच में प्लस का गुना का घटा का ठीक है माइनस का या डिवाइड का कोई भी निशान हो आप दोनों के लिए लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं तो इस चीज़ के फंक्शन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बना वन बाई थ्री ठीक है वन की पावर हमारे पास वन बाई थ्री माइनस वन और नीचे वन बाय सिक्स वन की पावर वन बाई सिक्स माइनस वन ये आपका वन ही हो जाएगा क्योंकि वन की पावर कुछ भी हो प्लस माइनस कुछ भी वन ही रहेगा तो वन बाई थ्री अपॉन वन बाई सिक्स आपके पास ये अपॉन में अपॉन की टर्म्स है हमारे पास तो आप ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएंगी वन बाय थ्री अपॉन वन बाय सिक्स है तो ये सिक्स बाय वन बन जाएगा थ्री वन जॉ थ्री थ्री टू जॉ सिक्स तो टू ठीक है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर दस का आंसर बन जाएगा हमारा ठीक है ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन उसको हमें किस तरीके से करना होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर आपके पास ठीक है ऐसी ही आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए भी हो सकते हैं हमारे पास सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास ठीक है जैसे इलेवन में देखें लिमिट एक्स टेंस टू आपको दिया गया सी एक्स की पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है जहां ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो तीनों का जोड़ जीरो नहीं है ठीक है तो आपने क्या किया यहां पर लिमिट पुट कर दी तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया ऊपर और नीचे सी प्लस बी प्लस ठीक है ए सॉरी ए हो गया तो दोनों टर्म सेम है और जीरो के इक्वल है ही नहीं, तो ये जीरो, जीरो तो है ही नहीं ठीक है आपके पास ए प्लस बी से प्लस बी सी कट गया तो कितना आ गया वन ठीक है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर बन गया ऐसे ही देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व उसमें क्या कह रहे हैं हमें लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू फंक्शन दे रहा है आपको वन बाय एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस टू अब यहाँ पर आप अगर एक्स की जगह माइनस टू रखते हैं तो वन बाई माइनस टू प्लस टू प्लस टू तो जीरो आपकी ठीक है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हमने ऊपर क्या किया एलसीएम लिया ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू ऊपर एलसीएम लिया तो टू प्लस एक्स हो गया और नीचे आपके पास एक्स प्लस टू है क्योंकि पलटने में आसानी हो तो आप इसके बटा में वन मान सकते हैं नीचे ठीक है तो लिखते हुए आसानी रहती है हमें एक्स टेंस टू माइनस टू ऊपर आपके पास टू प्लस एक्स अपॉइंट टू एक्स है और नीचे आपके पास ये पलट गया ऊपर जाके वन प्लस एक्स प्लस टू हो गया तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू से कट गया आपके पास ठीक है बचा क्या लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू वन बाई टू एक्स तो एक्स की जगह माइनस टू रखा हमने ठीक है एक्स की जगह क्या रख दिया हमने माइनस टू रख दिया आपके पास तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे अपॉन टू ठीक है तो आपके पास क्या माइनस वन बाई फोर ठीक है ये अब आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा क्लियर हमारे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें हमें क्या दे रहा करने के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन के अंदर देखिए आपको आइडेंटिटीज की तरह दिए गए क्वेश्चन है आइडेंटिटीज यूज ट्रिकोम इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आपको दे रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हमने क्या किया यहां पर ठीक है ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दिया ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स आप इसको एक बार फिलहाल यहां पर यह बाहर भी रख सकते हैं जैसे ये बी एक्स था हमारे पास आपने ए से मल्टीप्लाई किया ए से डिवाइड किया

क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के अंदर उसमें हमें क्या करना होगा इसमें देखिए आपको क्या दे रहा x 0, bx, है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जहां ए बी आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो वही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल किया था पिछले लेक्चर के अंदर हमारे पास ठीक है सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को चलेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स है तो इसके नीचे ए एक्स से गुना कर दिया और से डिवाइड कर दिया नीचे साइन बी एक्स है ठीक तो है तो बी से डिवाइड कर दिया हमने से आपके पास कैंसिल हो गया ठीक है क्योंकि टर्म्स होगी हमारे पास ये इनको बाहर निकाल दिया हमने ए अपॉन बी को बाहर लिखा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऊपर साइन ए एक्स है ठीक है इसलिए एक्स की जगह इसको ए एक्स टेंस टू जीरो और लिमिट नीचे अलग लिख दिया हमने इसको बी एक्स टेंस टू जीरो कर देंगे क्योंकि नीचे साइन बी एक्स बाई बी एक्स है तो आइडेंटिटी का यूज होते हुए लिमिट का क्लियर ठीक है इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फोर्टीन बन जाता है ठीक है आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ठीक है उसके अंदर हमें क्या करना होगा सेम इसी का यूज़ करते हुए ठीक है सिर्फ टर्म्स को लिखने के स्टाइल थोड़े थोड़े चेंज होंगे बाकी आपका जो करने का तरीका सिस्टम है वो सारा का सारा का सेम रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू तो पाई आपके पास फंक्शन दिया गया आपको साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस पाई माइनस एक्स ठीक है ये आपके पास हो गया यहां देखिए आपके पास पाई कॉन्स्टेंट है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्योंकि टू पाई पाई ए, पाई है 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 ऊपर नीचे ठीक है आपका एक्स माइनस पाई तो हो सकता था ये ठीक है तो उसी चीज के कारण या तो हम टर्म्स को चेंज करें ठीक है हमारे पास या सब्सिट्यूट करें किसी भी तरीके से हम इनको कर सकते हैं लिमिट आपके पास देखिए क्योंकि एक्स टेंस टू पाई है आप दोनों तरफ अगर पाई माइनस कर देते हैं ठीक है तो आपके पास क्या आ गया एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो हो गया ठीक है हमारे पास हमारे फॉर्मूले की तरह काम कर जाएगा अब उसी चीज के अकॉर्डिंग वन पॉन पाई आपने बाहर निकाला लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस पाई ठीक है एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो हो गया साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स जो साइन थीटा अपॉन ठीटा थीटा टेंस टू जीरो ठीक है ये पूरी वैल्यू आपकी क्या बन गई

इसमें हम सिंपल जिनर वैल्यू पुट कर सकते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं आइडेंटिटी एक्स की जगह आपने जीरो पुट कर दिया कोस जीरो, जीरो। क्लियर जीरो आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन उसके अंदर भी सेम वही चीज आपको दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन कोस एक्स माइनस वन आपने एक्स की जीरो पुट किया तो ये कोस जीरो ही बन गया एक प्रकार से ठीक है और नीचे पुट किया तो कोस जीरो बन गया और ये कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती तो है वन माइनस वन वन माइनस वन तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बनगी ठीक है अब जीरो बाय जीरो फॉर्म गई तो डैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है हमें कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें ठीक है उसको देखते हैं हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे सॉल्व करेंगे क्योंकि टू एक्स दे रहे हैं हमें उसी चीज का हम फायदा उठाते हुए ठीक है यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट टेंस टू जीरो हाफ एंगल्स का फॉर्मूला खोल सकते हो का हमारे पास क्या होता है ये तीन फार्मूले बनते हैं हमारे पास कोस टू एक्स के एक बनता है कोस केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स एक टू कोस और एक वन माइनस टू साइंस के रेक्स ठीक है ये वन आपका खत्म हो जाए ये सिर्फ इस फॉर्मूले में पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूले को चेंज करेंगे हमारे पास हम इसको करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्र एक्स माइनस वन और ऐसे ही हम नीचे करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्र इसको x बाय टू कर देंगे ठीक है माइनस वन वन से वन हमारे पास कट गया तो क्या आगे आगे लिमिट x टेंस टू जीरो हमारी ठीक है हमने देखा कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल होगा ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को पुट करेंगे और लिमिट्स को हम सॉल्व करेंगे ठीक है माइनस टू ठीक है ये दोनों ही आपके पास क्या हो गए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ माइनस वन और प्लस वन आपके कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी ठीक है तो उसी बाकी है क्या हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां आपको एक्स बाय टू चाहिए तो टू की पावर टू और एक्स बाय टू की पावर टू से ठीक है ये चीज हम करेंगे क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो यहां पर आगे देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ठीक है? आपके पास क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स है इसकी होल स्क्वायर लिख लिया हमने ठीक है क्योंकि लिमिट है पावर मल्टीप्लाई कुछ भी हमें अलग से कर सकते हैं नीचे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो की जगह एक्स बाय टू टेंस टू जीरो कर लेंगे और साइन एक्स बाय टू ठीक है हमारे पास साइन आपके पास क्या चीज बनेगी ये साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू की होल स्क्वायर बन जाएगा और साथ में यहां हमारे पास बाहर क्या चीज है x की पावर टू अपॉन ठीक है x की पावर टू बाई फोर बायर पलट कर आपके पास ऊपर चला जाएगा ठीक है अब यहां से देखेंगे हमारे पास क्या टर्म बनती है यहां आप देखें पावर टू से x की पावर टू तो आपकी कट गई ठीक है और ये हमारे पास क्या हो गया वन हो गया तो वन की पावर टू और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी का यूज हो गया वन हो गया और ये फोर तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आपका फोर ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर का हमारा आंसर बन जाएगा ठीक है क्योंकि हमने तो इसको सिंपल क्वेश्चन मानकर स्टार्ट किया था अपने आप बाय टर्म बनी उसने हमें शो कर दिया कि क्वेश्चन को हमने किसी ना किसी तरीके से चेंज करना होगा उसके अंदर कुछ कंसेप्ट लगाना होगा कुछ प्रॉब्लम है स्टेटमेंट के अंदर उसको सही करना होगा हमें ठीक है इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हो जाता है आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन उसके अंदर हमें क्या क्या रही है करने के लिए ठीक है उसमें भी देखिए आपको ट्रिनोमेटिक फंक्शन दिया गया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 इसमें हमें क्या कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन बी साइन एक्स आप देखिए इसमें अगर आप सीधा ही एक्स जीरो पुट करते हैं तो यहाँ एक्स और एक्स दोनों जीरो ही जीरो हो जाएंगे और साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है ठीक है तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके जीरो बाय जीरो फॉर्म लिखना चाहे वो कर सकते हैं ठीक है या सीधा ही जैसे आपको हमने एग्जाम्पल्स में किया था आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है अवेल्युएटिंग हमारे पास ठीक है अवेल्युएटिंग द फंक्शन एट एक्स टेंस टू जीरो ठीक है इट इज ऑफ द फॉर्म जीरो बाय जीरो ठीक है इसलिए अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे क्योंकि हमें साइन एक्स के नीचे एक्स चाहिए ठीक है तो हम डिवाइड कर देते हैं निमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ठीक है यहाँ लिख देंगे न्यूमनेटर एंड डिनोमिनेटर आप लिखना चाहें लिख दें नहीं भी लिखते तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि उसी के लिखना को जरूरी है डिवाइड बाई एक्स तो इसको एक्स से डिवाइड किया ए रह गया इसको एक्स से डिवाइड किया कोस एक्स रह गया और इसको एक्स से डिवाइड किया साइन एक्स बाय एक्स आ गया ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तीन ऊपर और निचले फंक्शन की लिमिट अलग अलग कर देते हैं लिमिट ए प्लस कोस एक्स और नीचे बी आपके पास बाहर लिख लेते हैं ठीक है लिमिट टू ठीक है आपने पुट किया तो ए का ए रह गया हमारे पास कोस जीरो की वैल्यू वन होती है और ये वन होता है तो बी इन वन आपके पास क्या आंसर आएगा ए प्लस वन अपॉन बी ठीक है ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर बन जाएगा क्लियर

लेकिन यहां देखिए एक्स के तो जीरो और सेकेंड जीरो सेकेंट जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन हमारे पास क्योंकि जीरो कोस का हो गया और कोस जीरो की वैल्यू वन होती है तो वन ही आ जाएगी और वन को जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया हमारा जीरो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा जीरो ठीक है आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स आपके पास ठीक है अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हुए देखते हैं आगे क्या लिख रहा है ये हमारे पास आगे इस चीज के अंदर ए बी एंड ए प्लस बी दोनों का जोड़ नॉट इक्वल टू जीरो चीज हमें दे रहा है सारा कुछ अब आप जीरो पुट कर रहे हैं डायरेक्ट आपको पता है साइन जीरो जीरो होता है और एक्स साथ में तो ये भी जीरो हो जाएगा तो जीरो बाइ जीरो फॉर्म बनेगी ये ठीक है अवेल्युएट कर लें या सिंपल सॉल्व कर लें वो आपकी मर्जी है ठीक है आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखें साइन जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस साइन जीरो ठीक है तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो हो गया जीरो बाय जीरो फॉर्म आपके पास ठीक है क्या करेंगे इसके अंदर ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स ठीक है प्लस बी अपॉन में हमारे पास ठीक है लिमिट आपके पास इकट्ठी रख लें फिलहाल अभी बाद में अलग अलग कर देंगे AX को X से डिवाइड किया A, और अपॉन हमारे पास ठीक है अब हमारे पास साइन के नीचे आइडेंटिटी यूज करने के लिए तो आ गया ठीक है अब उसी चीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट को अलग अलग कर देते हैं लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो ऊपर आपके पास साइन ए एक्स है अपॉन में ए एक्स हो गया यहाँ एक्स के साथ ए लगाया गया तो ए को हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया इसके डिवाइड किया गया तो प्लस बी कॉन्स्टेंट है इसके साथ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है अपॉन में ए हमारा कॉन्स्टेंट है ठीक है आपके पास लिमिट इसके साथ अलग से कर देंगे लिमिट साइन एक्स ठीक है बी एक्स वाई एक्स क्योंकि यहाँ से पहले आप ऐसा अलग है मैं क्यों कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिवाइड का रूल लगा तो लिमिट को मैंने अलग अलग कर दिया फिर यहाँ आपके पास प्लस का रूल लगा तो इसकी लिमिट अलग इसकी लिमिट अलग हो जानी थी ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है इसलिए लिमिट लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लिख भी लेंगे तब भी कोई गलत नहीं है फिर भी ये ए और बी ही रहनी है यहाँ बी एक्स है तो इसके साथ मुझे बी चाहिए चाहिए नीचे तो बी से मल्टीप्लाई और लिमिट भी आपकी बी एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगी ठीक है ऊपर आपके पास ये वन बन गया ए इंटू वन प्लस बी अप उनमें ए प्लस बी इंटू वन तो आपके पास ऊपर ए प्लस बी आ गया नीचे भी ए प्लस बी आ गया आपके पास ए प्लस बी या ए बी जीरो के बराबर नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है कट जाएंगे वन ठीक है आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया क्लियर क्वेश्चन नंबर का हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है? आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इक्कीस उसके अंदर हमें किस प्रकार से करना होगा इस क्वेश्चन को ठीक है क्वेश्चन नंबर में देखें, उसमें क्या कह रहे हैं हमें करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर इक्कीस ठीक है हमें दे रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस कोट एक्स ठीक है अब इसमें देखें अगर आप एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो ये कोसेक जीरो बनेगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो का उल्टा ठीक है हमारे पास नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है टेंजर्ड जीरो जीरो होता है लेकिन टेंज का उल्टा हमारे पास कोट वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास एक नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है ठीक है तो अब आपको क्या करना होगा इसको सिंपलीफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज ही होगा यहाँ पर किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं कोसेक क्या होता है वन बाई साइन एक्स और कोट क्या होता है हमारे पास कोश एक्स माइनस साइन एक्स ठीक है यहां से आगे देखें लिमिट एक्सटेंस टू जीरो आप दोनों का एल्शियम लेते हैं तो साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास और ऊपर क्या है वन माइनस कोस एक्स ठीक है अभी तक आपके पास देखें एक्सटेंस टू जीरो यहां पुट करने पर ही वन माइनस कोस जीरो की वैल्यू वन होती है वन माइनस वन जीरो बनेगा और नीचे साइन जीरो आपके पास है ही ठीक है अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एडेंडिडी नहीं बनी जिससे आप इसको काट सके ठीक है लेकिन आगे हम इसको करते हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ठीक है वन माइनस कोस एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास वन माइनस कोस एक्स को टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू ठीक है हमारे पास क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस टू ए का साइन की अगर फॉर्म में, में बात करूं ठीक है वन माइनस सॉरी वन साइन में होता है ये तो आपके पास टू साइन ए क्या बन जाएगा यहां है पर वन माइनस कॉस टू ए इसको हमने इस तरफ लिया पॉजिटिव हो गया उधर के नेगेटिव हो गया तो जो भी हमारे पास यहाँ एंगल होता है ए साइन क्या है उसका हाफ एंगल एक्स था तो एक्स बाय टू आ गया और साइन एक्स का मीन्स साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ठीक है ये हमारे पास टू साइन ए और कॉस ए बाय टू सॉरी हाफ एंगल का यूज करना है टू ए तो ए आ जाएगा ठीक है हमारी इस फॉर्मूले का यूज होगा अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखने है कि किस प्रकार से इस को करना होगा। अब एक का क्या किया? तो बचा क्या आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय बचा नीचे आपके पास कोस एक्स बाय टू बचा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हमारे पास

ठीक है आपके पास हमें दे रहा है लिमिट एक्स टेन्स टू पाई बाई टू ऊपर टेन टू एक्स दे रहा है और नीचे एक्स माइनस पाई बाई टू दे रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हमारे पास रिलेशन चेंज होंगे हमारे ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा ट्रगोमेटिक फंक्शन अप्लाई होना है आपका यहां पर उसकी आइडेंटिटी यूज होगी तो हम पुट कर देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच अब क्योंकि एक्स टेंस टू आपका पाई बाय टू है इसलिए जीरो डायरेक्ट यहाँ पुट करते जीरो बाई जीरो बन सकते है। उसी चीज़ के कारण हम ऐसा कर रहे हैं इसको उसके बारे में आप लिख भी दें अवेल्युएट करने पर नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी आपने चेंज कर दिया यहां पर ठीक है लिमिट एच टेंस टू जीरो आपके पास टेन क्या एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे टू से टू पाई बाय टू प्लस एच अपॉन पाई बाय टू प्लस एच माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू से पाई बाय टू कट गया आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन टू से मल्टीप्लाई किया तो पाई प्लस टू एच बन गया आपके पास अपॉन में एच ठीक है हम आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन लिखने के ढंग के अंदर आपको दिक्कत ना हो उस चीज़ के कारण ही है, हमने इसको चेंज किया थोड़ा सा अगर ऊपर भी एंगल हमारे पास इसी फॉर्म में होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाना था अब टेन पाई के कारण हमारे पास क्या होगा हमारा ये जो टी रेशो है ये चेंज हो जाएगा हमारा ठीक है और लिमिट ठीक है एच टेंस टू तो जीरो टेन पाई है ये अगर पाई बाई टू मतलब नब्बे प्लस दो सौ सत्तर होता तो चेंज होता टी रेशो अब क्योंकि पाई प्लस या टू पाई प्लस हो

तो टू आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ गया लिमिट टू एच टेंस टू जीरो आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर टू इंटू वन इंटू टू ठीक है आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर बाईस का ये आंसर बन गया हमारे पास ठीक है इसके बाद देखेंगे हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है उनमें हमें क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर तेईस से जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है ठीके? उसके अंदर आपके पास अलग अलग टाइप के दो फंक्शन दिए हुए हैं ठीक है थीके? कुछ फंक्शन आपके पास सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और किसी में आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इस प्रकार की वैल्यू निकालने के लिए भी डिस्कशंस होगी ठीक है तो अब उन्हीं चीजों के जो क्वेश्चन नंबर तेईस है क्योंकि उसमें हम थोड़ी सी अलग कहानी शुरू करेंगे ठीक है फंक्शन के दो पार्ट्स दिए गए आपको तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में बात करेंगे ठीक है अभी आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर बाईस तक इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है और यहां तक कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है किसी प्रकार की क्वेश्चन की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हम अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें ओके थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू